गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो प्राथमिक क्रियाएं थी हमारी, उस अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। और मैंने बताया था कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो मानव की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आज का जो हमारा अध्याय वो है द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हैं मानव की वो कौन सी हैं। तो इनके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो क्रियाएं डायरेक्ट प्रकृति से नहीं जुड़ी होती, बल्कि जो प्रकृति से जो वस्तुएं हमें मिलते हैं उनको और अधिक उपयोगी बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएं। तो देखिए इनका अर्थ क्या है। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदल कर यह उसे मूल्यवान बना देती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कपास का। कपास का सीमित उपयोग है, क्योंकि कपास एक क्या है, प्राथमिक उत्पाद है, कृषि से हमें जैसे मिलता है, परंतु धागे में परिवर्तित होने के बाद यह अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब कपास की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वस्त्र की है। हम तो कपड़े पहनते हैं, कपास का तो हमारे लिए कोई ऐसा यूज नहीं है। तो क्या कह रहा है कि यह किसकी वजह से संभव हुआ, द्वितीयक क्रिया की वजह से संभव हो पाया कि उसने कपास को और भी अधिक उपयोगी बना दिया। क्या बनाया, पहले धागा बनाया और धागे से फिर क्या बनाया, उसके कपड़े बनाए जो बहुत ही कीमती थे हमारे लिए। इसी प्रकार देखें, लो ऐसे का हम प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं कर सकते। लो ऐसे क्या होता है, अशुद्ध रूप में जो खनिज खनन हम, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था खनन हम करते हैं खनिजों का, तो लो ऐसे तो अशुद्ध रूप में जो लोहा है उसको बोलते हैं, तो उसका तो हमारे लिए कोई डायरेक्ट यूज नहीं है। परंतु ऐसे से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका प्रयोग मशीनें और औजार बनाने के लिए किया जाता है। अब जब हम इस लोहे से क्या बना लेते हैं, लो ऐसे से इस्पात बना लेते हैं, तो क्या होता है, उससे मशीनें बन जाते हैं, औजार बनते हैं और भी पता नहीं कितने सारे यूज, जैसे आप अपने आसपास देखते हो लोहे लोहे इस्पात से के जो प्रयोग है वो हम करते हैं। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण करके प्रोसेसिंग करते हैं, नई उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है, तो इन्हें द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। यानी कि वो क्रियाएं जिनसे प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, मूल्यवान बना दिया जाता है, उनको उनका रूप भी तो बदल देते हैं, जैसे कि कपास की, कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, तो इन सबको क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। इसका संबंध तीन चीजों से होता है, विनिर्माण से, प्रसंस्करण से और निर्माण से। तो तीन चीजें मैंने आज का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी रहेगा, द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है, तो डेफिनेशन आपको यहां से लिखनी है। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर एक जो आज मैं आपको दूंगी एनसीईआरटी में है, ये है विनिर्माण क्या है। जैसे मैंने कहा ना, विनिर्माण की सहायता से हम द्वितीयक क्रियाकलाप करते हैं। तो देखें विनिर्माण का अर्थ अगर डायरेक्टली कहें तो हाथ से बनाना बोला जाता था पहले, लेकिन आजकल हम हाथ का प्रयोग नहीं करते चीजों को बनाने में। जैसे मशीनें आ गई, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, इसको हम कह सकते हैं विनिर्माण का अर्थ है किसी भी वस्तु का उत्पादन करना। इसमें हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात से इस्पात को, लोहे से इस्पात को बनाना और प्लास्टिक से खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक सुई से लेकर एक वायुयान तक, छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़ी चीज किससे बनते हैं, विनिर्माण से बनती है। वस्तु का उत्पादन जो है वो उसी को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। तो ये क्या है, विनिर्माण। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कच्चे अथवा अर्धनिर्मित माल को उपयोगी और उच्च मूल्य वाला बना दिया जाता है, यानी कि उच्च मूल्य हो जाएगा उसका। और पहले तो अर्धनिर्मित माल था या फिर वो कच्चा माल था, लेकिन अब वो निर्मित हो गया है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे शक्ति का उपयोग करना पड़ता है हमें। अब जैसे कि हमें लोहे को साफ करना है तो एनर्जी, तो जैसे कोयला चाहिए उसको साफ करने के लिए एनर्जी चाहिए। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन हम करते हैं और इन कारखानों में विशिष्ट श्रमिक आदि, ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें मैंने आपको बताया, बाकी विस्तार से हम इनको आगे भी करेंगे। तो इनकी जरूरत पड़ती है जब भी हम किसी वस्तु का विनिर्माण जब हम करते हैं। तो इसके बाद देखें कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं क्या क्या है। अब जो आधुनिक जो विनिर्माण है ना, वो अब चेंज हो गया। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि पहले तो वस्तु हाथ से बनती थी घरों में, जैसे छोटे मोटे कुटीर उद्योग लगे होते थे, लेकिन आजकल मशीनों का महत्व बढ़ गया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें नई आ गई हैं, विशेषताएं यानी कि विनिर्माण की बदल गई हैं। आधुनिक युग में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका उसका आंसर ये है। देखिए क्या क्या, सबसे पहला यंत्रीकरण या फिर मशीनीकरण। अब मशीनें तो आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हमारे पास, यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। विनिर्माण के लिए स्वचालित मशीनों का प्रयोग जिसमें मानव को दिमाग न लगाना पड़े, मशीनीकरण की विकसित अवस्था को दर्शाता है। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें स्वचालित क्या है, जो अपने आप ही चलती है, ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं वो, तो इनमें मानव को अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, बस बटन दबाए और काम हो जाता है। जैसे कंप्यूटर को आप एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि आपको जो भी काम करना हो आप कंप्यूटर में बहुत जल्दी कर पाते हैं और आपको इतना ज्यादा मतलब माइंड भी उसमें खर्च अपना नहीं करना पड़ता। तो ये क्या है, ये यंत्रीकरण ही तो है। पुनर्निवेशन और सेवर्त पास कंप्यूटर प्रणाली से
सुसज्जित है, जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया। अब एक नई और प्रणाली आ गई है। पहले तो मशीन में जो सिस्टम डाल दिया ना वो अपने आप करती थी, लेकिन अब की जो मशीनें बनाने लगे कंप्यूटर प्रणाली पर जो आधारित हैं, वो खुद ही सोचेंगे और खुद ही काम को करेंगे, यानी कि मानव की आवश्यकता बहुत ही कम हो गई है। इसके बाद दूसरा देखिए क्या चेंज आया है, प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो नई चीजें आई वो क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार स्वदेह विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अवशिष्टों के निस्तारण के लिए अदक्षता को समाप्त करने और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू। अब इसको समझने के लिए एक बार हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब उद्योग लगे ना तो क्या हुआ था कि हमने जब उद्योग लगाया तो ये नहीं सोचा था कि उनसे कुछ हानियां भी हैं, उनका भी कोई सुधार, उनमें भी सुधार करना चाहिए। हमें सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब था, हमें प्रोडक्शन करनी थी उद्योग में, हमें चीजें बनानी थी। लेकिन आजकल क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है, जब हम कोई भी उद्योग लगाते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि अवशिष्ट जो निकलेंगे, जो कचरा निकलेगा, उसको हम कैसे निस्तारण करेंगे, उसको हम साफ कैसे करेंगे, अदक्षता है जो है श्रमिकों में या काम में उसको हम कैसे सुधारेंगे, और प्रदूषण जो फैलाते हैं उद्योग उसको भी वो कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी को क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी नवाचार कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे और उत्पादन को भी बढ़ाएंगे। तीसरा बात करते हैं कौशल का विशिष्टीकरण या फिर उत्पादन की विधियां। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई है तो उत्पादन की विधियां भी हमारी बदली हैं, या फिर कौशल का विशिष्टीकरण भी इसको कहा जाता है। कुशलता किसी काम को करने की, कौशल का क्या है, कुशलता, कोई परफेक्ट हो किसी काम को करने में तो उसका विशिष्टीकरण। शिल्प तरीके के कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है। शिल्प तरीके कौन से, जैसे जिसमें कम मशीन या फिर हाथों से जो चीजें बनती है, जो कि ऑर्डर अनुसार बनाया जाता है, तो इसकी लागत अधिक आती है। हाथ से कोई वस्तु बनाते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो श्रम भी उसमें ज्यादा लगेगा, तो उसका क्या होगा, खर्चा उसका ज्यादा आता है और चीज भी उतनी बनेगी जितना ऑर्डर दिया गया है। जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, यानी कि ज्यादा मात्रा में जो सामान बनता है ना उसका, उसमें अधिक उत्पादन से होता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। अब जैसे कि एक ही व्यक्ति मान लो पूरी गाड़ी को बनाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हर चीज में सोचना पड़ेगा, इंजन कैसे किस प्रकार का होगा, गाड़ी में का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होगा, तो काफी ज्यादा उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि एक गाड़ी को बनाने के लिए 10 श्रमिक लगे हुए हैं, सबको अलग अलग काम दिया गया है, एक को इंजन से रिलेटेड काम दिया, एक को गाड़ी के का जो बॉडी पार्ट है उसको तैयार करना है, उनको जोड़ना है, तो अलग अलग काम अगर एक कारीगर करेगा तो वो बहुत जल्दी करेगा, वो परफेक्ट हो जाएगा उस काम में निरंतर, क्योंकि वो उसी काम को करता रहेगा। आपने भी देखा होगा कि अगर आप लगातार एक काम को करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो यही बात क्या करें कि कौशल का विशिष्टीकरण करना है कि एक ही व्यक्ति को एक ही काम में लगाना है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और जो दक्षता है ना वो भी सुधरेगी से। अगला देखें, संगठनात्मक ढांचा एवं सत्रीकरण। आधुनिक निर्माण एक संगठन की तरह काम करता है, जिसमें प्रबंधक, बिक्री विभाग, प्रचार विभाग, सेक्रेटरी, वित्त विशेषज्ञ आदि अपना अपना दायित्व निभाते हैं। यानी कि आजकल के जो उद्योग हैं उनमें एक व्यक्ति काम नहीं करता बल्कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट होती है काम करने वालों की। प्रबंधक अलग होता है, उसका अपना काम है, बिक्री विभाग है, उसका अपना काम है, प्रचार विभाग जैसे कि अपने सामान के प्रचार करता है, सेक्रेटरी है, देखरेख करेगा कि कहां पर कितना खर्च हो रहा है, वित्त विशेषज्ञ, तो इन सब का अपना अपना दायित्व है, ये सब अपने अपनी जगह पर रहकर काम करते हैं। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है, संगठनात्मक ढांचे की, एक जटिल प्रौद्योगिकी अंतर। अब इतने व्यक्ति काम करेंगे तो उनको एक तरह एक जगह जोड़ के रखना एक मुश्किल काम होगा, एक प्रौद्योगिकी क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। दूसरा, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं कम लागत से अधिक माल तैयार करते हैं। अब क्या करेंगे कि जो खर्च है वो तो क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लागत कम हो जाएगी और कम मेहनत लगेगी, लेकिन माल क्या है, ज्यादा तैयार होगा, तो ये इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। इसके बाद देखिए, अधिक पूंजी अधिक खर्च होगी इसके अंदर और बड़े संगठन बन जाएगा अगर ज्यादा लोग काम करेंगे। तो पांचवा है प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, इसमें जो नौकरशाह है इनकी सरकारी पदों के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, उनको भी इसमें लिया जाता है। ये था संगठनात्मक ढांचा। और लास्ट जो चेंज आया वो देखिए, अनियमित भौगोलिक वितरण। अब आपने ये तो देखा होगा कि विश्व में सभी जगह पर एक जैसे उद्योग विद्यमान नहीं है, उद्योग जो उनका आकार छोटा बड़ा है। अगर और क्रियाएं देखें मानव की आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है या फिर पशुचारण है, उनके क्षेत्र काफी विशाल है, लेकिन उद्योगों के जो क्षेत्र है वो काफी कम है। अब देखिए इसके बारे में क्या है, ये आधुनिक विनिर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भाग पर इनका विस्तार है। ये देश के आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र है। इनका क्षेत्रफल बहुत कम है, जो कृषि की तुलना में बहुत ही कम है। वैसे भी कम है लेकिन कृषि से तुलना करें तो और भी कम है। अब एक एग्जांपल से आप इसको समझ पाएंगे। अमेरिका के एक मक्का पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 बड़े फार्म होते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल दिया गया अमेरिका का, वहां पर 2.5
5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 4 ही बड़े फार्म होते हैं जिसमें 10 से 20 श्रमिक काम करते। देखो कितने कम लोगों को काम मिला और जिनसे केवल और केवल 50 से 100 व्यक्तियों का भरण पोषण होता है, ये तो बहुत ही कम संख्या है। लेकिन अगर इतने ही बड़े क्षेत्र में कारखाने लगा जाए तो हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। यानी कि इनका क्षेत्र तो होता है कम लेकिन रोजगार ये लोगों को ज्यादा देते हैं। तो ये था नियमित भौगोलिक वितरण। इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं जो आधुनिक समय के जो उद्योगों में। आज का आप देखें आपका होमवर्क क्या रहेगा, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो लेसन आप रीड साथ में जरूर करें। अब क्वेश्चन देखें जो फेयर नोटबुक के हैं, विनिर्माण किसे कहते हैं, एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ये है। दूसरा, द्वितीयक क्रियाएं कौन सी हैं। और तीसरा, विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ये कि विकसित देशों के उद्योगों में क्या बदलाव आए हैं, और क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपका इस प्रकार से दिया गया है, विनिर्माण के आधुनिक प्रक्रिया में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताएं कौन, जो मैंने अभी आपको 5 करवाए ना वही है कि आधुनिक जो प्रक्रिया उसमें क्या चेंज आया है, क्या विशेषता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये सेकंड पार्ट ये आपका है। तो इनको आप अच्छी प्रकार से करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये हैं, इनको अच्छे से नोटबुक में उतारें, अच्छे से याद करें। थैंक यू।